really? हाँ जो मैंने तुम्हें पिक्चर भेजी थी ना, आई थिंक यू शुड गेट दैट डन. इट लुक रियली नाइस, इट विल सूट यू. चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ. बाय. खाना ऑर्डर किया तुमने? देखो जैन, तुम्हारा पेट भर जाता होगा इन स्क्रिप्ट से, लेकिन मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को खाने की जरूरत होती है. एनीवे, मैं शावर लेने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना. तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. वही तो, वही भी तो कहूँ कि ये तुम अपनी स्क्रिप्ट छोड़ने का कहीं फैसला कर ही ना लो. मैंने जिंदगी में बहुत से बुरे फैसले किए हैं आयशा. अब और नहीं करूंगा. फिर बदतमीजी. तुम्हारा खाना ऑर्डर कर दिया. सुनो, आई थिंक तुम्हारी तरबियत में तुम्हारे माँ बाप ने जरूर कोई कमी छोड़ी है. आयशा, डोंट डू दिस, नेवर डू दिस. डोंट टेल मी व्हाट टू डू. मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं. जी सुनो, आयशा, तुम्हें हर वक्त मुझ में खामियां क्यों नजर आती हैं? क्योंकि तुम साथ रहने के काबिल ही नहीं हो. Listen, I'm really sick and tired of this. मैं ये और नहीं कर सकती हूँ. I think we both should go our separate way. मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ आयशा. जी आई एम सॉरी आई एम लेट, लेकिन आपकी सिफारिश बहुत ऊपर से आई थी इसलिए इस वक्त हाजिर हूँ. हाँ वो तो ठीक है, मगर मेरा खाना कहाँ है? शायद आप मुझे गलत समझ रहे, मैं कोई डिलीवरी नहीं लेके आया. तो फिर आपकी सिफारिश वाकई बहुत ऊपर से आई थी. सिफारिश? आपके दोस्त जिनसे कल आपको झगड़ा हुआ था. शकील से?
उसकी ये मजाल, उसे बता दो जाके मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो यहां से। ठीक है, लेकिन मैं तो ऑफर लेकर आ गया आपके पास। ऑफर? कैसी ऑफर? आई कैन टेल यू बेटर इफ क्या हाँ बाब आ जाओ। This way. बैठो। एक ग्लास पानी मिल सकता है प्लीज? हाँ श्योर, वेयर माय मैनर्स। ठंडा ना हो प्लीज। मुझे तुम सेल्समैन लगते हो। तकरीबन। मेरा मतलब यह कि तुम किसी डील वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, किसी ऑफर के बारे में। हम कुछ बेचते नहीं हैं, खरीदते हैं। खरीदते हैं? जी खरीदते हैं। वो तमाम चीजें जिनका ख्याल इंसान को रहता है। मगर आप हमसे क्या खरीदना चाहते हैं? हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं जो बेचने के काबिल हो। Don't be so sure. Just have to offer you the right price. कौन आया है? पता नहीं। अभी तक समझा नहीं, तुम हमसे क्या खरीदना चाहते हो जो हम बेचना नहीं चाहते? मिसाल के तौर पे ये फ्रेम, ये फ्रेम होगा कोई 1,000 रुपए का। मैं आपको इसके 5,000 रुपए देता हूं। आई एम सॉरी, ये फोटो फ्रेम मुझे काफी पसंद है, मैं इसे बेच नहीं सकता। Okay. और अगर मैं आपको इसके 50,000 रुपए दूं तो? 50,000? What's going on? ये मुझे इस फ्रेम के 50,000 ऑफर कर रहे हैं। पचास हजार yeah. हाँ तो इट्स ओके, मैं बेच देती हूँ। What? ये फोटो फ्रेम मेरा है, तुम इसे मेरी इजाजत के बगैर कैसे बेच सकती हो? किस हक से? जिस हक से तुम मेरे घर में मौजूद हो। प्लीज आप लोग गुस्सा ना करें, ये मुतनाज़े फ्रेम है, वैसे मैं खरीदना भी नहीं चाह रहा। मैं तो सिर्फ एक मिसाल दे रहा था, क्या ऑफर दे सकता हूँ? देखो मुख्तसरन बताओ क्या ऑफर है और ये पहेलियां डालना बंद करो। क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूं आप एक पढ़े लिखे मॉडर्न बाशऊर इंसान है और मुझे लगता है कि आपको खुदा पर यकीन नहीं। मुझे यकीन है कि हमारा सौदा हो जाएगा। हाँ ये सच है, ना ही मैं खुदा पे यकीन रखता हूं ना ही शैतान पे।
मगर इसका ऑफर से क्या ताल्लुक है? और ये तुम बार बार टॉपिक क्यों बदल देते हो? ऑफर क्या है? इस सिंपल सा सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? आसान सवालों का जवाब मुश्किल होता है अक्सर। मुख्तसरन ये ऑफर ये है कि आप मुझे अपने कल का ख्वाब भेज दें। कल का ख्वाब? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे तो ये पागल लगता है। कौन सा ख्वाब? कल रात का वो ख्वाब जो आपको शायद अभी याद भी नहीं। मैं उस ख्वाब का खरीदार हूं। एक रूहानी चीज के एवज पैसा। आपको कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है। वो ख्वाब अब आपके किसी काम का भी नहीं, आप उसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इन पैसों की वजह से बेच जरूर सकते हैं। कैसी लगी हमारी ऑफर? इस दुनिया में कोई ऐसी डील नहीं जिसमें एक बंदे का फायदा हो रहा हो और दूसरे बंदे का नुकसान ना हो। जरूर इसमें भी कोई ना कोई नुकसान है। आप खुदा को मानते नहीं लेकिन जानते जरूर हैं। मतलब? मतलब कोई इन्वेस्टमेंट किए बगैर आपको यह फायदा हो रहा है? आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? सांस बहुत उखड़ता है ना आपका बचपन से। आपकी वालदा बहुत परेशान रहती होंगी आपके लिए। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मुझे अपने बचपन का एक वाकया याद आ गया। वाकई जरूर बहुत दिलचस्प होगा। आप मुझे अपने बचपन की ये याद भेज दें। वैसे भी आप अपना बचपन और उसका कर्ज भुला चुके हैं। किसका कर्ज? उसका कर्ज जिसे जैन साहब भुला चुके हैं। जैन किसे भुला चुका है? उसे जिसने जैन साहब की कहानी को एक नया मोड़ देकर उसे खत्म होने से बचाया। ये मेरी जिंदगी की कहानी है और इसे कोई नहीं बदल सकता। आप एक राइटर हैं जैन साहब, अपनी कहानी को इखलाकियातों से परोते हैं, फजीलतों से सजा बनाकर पेश करते हैं। और अगर शैतान मेरा मतलब बुराइयों को सजा दिलवाते हैं। हाँ तो लोग भी तो यही चाहते हैं ना? हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, लोग यही चाहते हैं। और कहानी में आपकी कोई मर्जी नहीं चल सकती। मिसाल के तौर पे एक अमीर तरीन इंसान है जिसके पास बहुत दौलत है, बहुत ताकत है, लेकिन बहुत बुरा इंसान है। फिर भी वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे, खुशबाश है। लोग ये नहीं चाहते, लोगों को कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, वो चाहते हैं उसको सजा मिले। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना राइटर साहब? ऐसा ही है ना? हाँ लोग यही चाहते हैं। तुमने मुझे मेरा काम सिखा दिया, अब उस बात पे आते हैं जो तुम मुझसे कर नहीं रहे और बातों को घुमाई जा रहे। तुमने मुझसे मेरा ख्वाब खरीदना है ना? नहीं, अब मुझे तुम्हारा ख्वाब नहीं, अब मैं तुम्हारी रूह का खरीदार हूँ। रूह का? तुम्हारी रूह जिसपे ना जाने तुमने कितने मुकालमे लिखे होंगे, कितने अशार लिखे होंगे। वही रूह जिसका आखिर में हिसाब होगा,
वही रूह जिसमें तुम्हें यकीन नहीं है। मुझे अपनी रूह भेज दो ज़ैन, ऐसे भी तुम्हारे किसी काम के नहीं। सीरियसली तुम्हें मेरी रूह चाहिए? हम बहुत सीरियस बिजनेस करते हैं ज़ैन साहब। I'm sorry, लेकिन आप इससे वो चीज मांग रहे हैं जिसके पास है ही नहीं। हाँ, अगर मेरे पास रूह नहीं है तो तुम्हारे पास कौन सा दिल है? और अगर दिल होता भी तो बिल्कुल वर्थलेस होता। प्लीज प्लीज आप लोग लड़े नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया, आप इस पे साइन करें और अपने पैसे ले लें। तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझे सच सच बताओ तुम्हें भेजा किसने? वैसे आप कीमत क्या दे रहे हैं इसकी रूकी? अब हुई ना बिजनेस वाली बात, आप बताएं क्या कीमत लगाएंगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड आयशा? व्हाट इज रॉन्ग विद यू आयशा? तुम अपनी रूह क्यों बेच रही हो? यहां मेरी नहीं तुम्हारी रूह की बात हो रही है। मेरी रूह का सौदा कर रही हो आयशा? इस सब कुछ से तुम्हें क्या मिलेगा? जान वैसे भी तुम जैसे फजूल इंसान से मुझे कभी कुछ मिल तो सकता नहीं है। आई जस्ट वांट टू नो तुम्हारी रूह की कीमत क्या है। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी आयशा। आई नो तुम्हें मुझसे काफी शिकायत है, बट लाइक आई सेड आई जस्ट वांट टू नो तुम्हारी इस घटिया सी रूह की कीमत क्या है, बताइए। मेरी बात सुनो, तुम किसी गलत जगह पे आए हो। यहाँ पे ना कोई चीज बेचने वाली और ना ही खरीदने वाली। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा चला जाता हूँ, पर एक सवाल है मेरा। क्यों? क्या मतलब है क्यों? मुझे तुम्हारी किसी भी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपना सामान लो और निकलो मेरे घर से। तुम्हारे घर से? मेरा मतलब इसके घर से, निकलो। ज़ैन साहब आप एक पढ़े लिखे दानिश्वर इंसान है, आपको ये गुस्सा ज़ेब नहीं देता। प्लीज बैठिए, तशरीफ रखें, मेरी एक इल्तिजा सुन लें, उसके बाद आप जो फैसला करेंगे। प्लीज मुझे आपका फैसला समझ में नहीं आ रहा ज़ैन साहब। आप एक राइटर हैं, हर चीज मंतकी तौर पर सोचते हैं और उसे बढ़कर आपको तो खुदा पर यकीन भी नहीं है। रूह क्या एक बोतल में बंद चीज है जो मैं आपसे खरीदना चाह रहा हूं, वो चीज जिसका आपको कोई यकीन नहीं है? आप क्यों नहीं करना चाहते ये सौदा? आपको क्या पैसे नहीं कमाने? अरे वाह, आज तो मजा आ गया, क्योंकि आज मिस्टर लॉजिक को पहली दफा उसकी टक्कर का कोई आदमी मिला। ज़ैन, तुम्हें अब तो वजाहत देनी पड़ेगी, फंस चुके हो अब तुम। ऑडियंस जानना चाहती है कि तुम्हारा अगला डायलॉग क्या होगा। मैं यहाँ पे कोई स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर रहा आयशा, और ना ही यहाँ पे कोई सर्कस चल रहा। मेरी रूह बेचने की बात हो रही है और तुम मेरी रूह खरीदना चाहते हो ना? तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। बताओ कहाँ करना है दस्तखत? गुड, वेरी गुड। हमारी कंपनी की रिप्यूट बहुत अच्छी है, हम खरीदना जानते हैं। आपकी कहानी भी अब सरफराज शाह की तरह हो गई है, लोग जानना चाहेंगे कि आगे क्या होता है। तो मेरी कहानी के सरफराज शाह को कैसे जानते हो? मैं तुम्हारी कहानी के सरफराज शाह को और उस हर मुर्दा इंसान के बारे में जानता हूं जो बगैर रूह के जीता है और समझता है वो जिंदा है। आइए दस्तखत कीजिए। ये क्या बकवास है? हमारे इदारे में मुआहदे जो है वो स्याही से नहीं, खून से होते हैं। दस्तखत करें।
हसन क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए हो? Listen, I can't lose you. I just can't. I'm so sorry. Are you okay? Yeah, I'm fine. I love you. I love you.